नमस्कार, आप देख रहे हैं पल पल। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल की अध्यक्षता में गुरुवार को चंडीगढ़ में सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों के प्रदर्शन की समीक्षा बैठक के दौरान बताया गया कि पिछले 4 वर्ष में इसमें आशातीत सुधार हुआ है। इनमें जहां लाभ वाले सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों में वृद्धि हुई है, वहीं घाटे वाले उद्यमों में काफ़ी कमी आई है। बैठक में वित्त मंत्री कैप्टन अभिमन्यु भी उपस्थित थे। इसमें प्रदेश के कुल 49 सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों की समीक्षा की गई। बैठक में बताया गया कि वर्ष 2014 से 2017 तक 4 साल की अवधि में पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस में काफ़ी आर्थिक सुधार हुआ है। वर्ष 2014 में जहां लाभ में चलने वाली पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस की संख्या 20 थी, वहीं 31 मार्च 2017 को बढ़ाकर 26 हो गई। इसी अवधि में घाटे में चलने वाले पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस की संख्या 24 से घटकर 20 हो गई है। अर्थात इस अवधि में नुकसान 4,247 करोड़ रुपए से घटकर 1,414 करोड़ रुपए हो गया, जो कि सुधार के साफ संकेत हैं। मुख्यमंत्री को बताया गया कि पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस का कारोबार वर्ष 2014-2015 में 49,478 करोड़ रुपए था, जो कि 2016-17 तक बढ़कर 57,628 करोड़ रुपए हो गया। चूँकि इस अवधि के दौरान पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेज़ की आर्थिक गतिविधियों में काफ़ी वृद्धि हुई है, जो कि आर्थिक विकास के लिए अनुकूल पैरामीटर माना जाता है।